नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोहित बत्रा डर्मावल स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स के माध्यम से आज बात करने जा रहा हूँ सोरायसिस की। सोरायसिस एक स्किन कंडीशन है और बहुत लोग मानते हैं कि ये लिवर कंडीशन है। नहीं, सोरायसिस एक स्किन कंडीशन है जिसमें आपके चकत्ते बनते हैं, जिसके ऊपर से चमड़ी जो है झड़ती है, और सिरोसिस एक लिवर कंडीशन है जिसके अंदर लिवर की जो एक बीमारी है जिसके अंदर लिवर खराब हो जाता है। तो ये सोरायसिस और सिरोसिस बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आज हम बात करेंगे सोरायसिस की, जो कि किसी को भी हो सकती है, एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। और यदि आपको सोरायसिस है तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर कोनियों से और ज़्यादातर आपके घुटनों से और बालों के अंदर से शुरू होती है, जिसको हम स्कैल्प कहते हैं, वहाँ से शुरू होती है, जहाँ लीजन्स बनते हैं, जिसके अंदर चकत्ते बनते हैं, और आप देख सकते हैं कि सिल्वरी स्केल्स हम इसको कहते हैं कि वो ऊपर से परतें की परतें उतरती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है जिनकी स्किन ड्राई हो। तो अगर आप सोरायसिस से जूझ रहे हैं तो मॉइस्चराइज योर स्किन। सर्दियों में बीमारी ज़्यादा होती है, सर्दियों में ठंड हो जाती है, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, तो मॉइस्चराइजिंग सोप वगैरह लगाने चाहिए। अगर आपको सोरायसिस है तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से भी ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि अक्सर छोटी मोटी क्रीम्स लगाने से ही बहुत हद तक सोरायसिस कंट्रोल रखी जा सकती है। बट यदि सोरायसिस बढ़नी शुरू हो, आपके शरीर के अन्य भागों के ऊपर जानी शुरू हो, बड़े बड़े पैचेस शुरू हों, जिसको सोरायसिस वल्गैरिस कहा जाता है, तो एरिथ्रोडर्मा में कन्वर्ट ना हो जाए जिसमें सारे शरीर सोरायसिस से भर जाता है, तो बहुत टाइम हमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो जिनके साथ मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है और कई बार एक्सपेंसिव भी होती है, जिनको बायोलॉजिक्स कहा जाता है। जहाँ तक सवाल है सोरायसिस की टाइप्स का, तो कॉमनेस्ट सोरायसिस वल्गैरिस, फिर आता है पामोप्लांटर सोरायसिस जहाँ हाथ और पैर ही इन्वॉल्व होते हैं, स्कैल्प सोरायसिस जहाँ सिर्फ सर के अंदर बीमारी होती है, सोरायटिक एरिथ्रोडर्मा जो कि पूरा शरीर कवर कर लेती है, सोरायटिक अर्थराइटिस जो कि आपके जोड़ जो है उसके अंदर भी सोरायसिस हो जाती है, और पस्चुलर सोरायसिस जहाँ पानी भरे और पस भरे दाने बनते हैं। अब जिस प्रकार का आपका सोरायसिस है, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होगा। तो कुछ खाने की लगाने की मेडिसिन अगर आपको दी जाएँ, या बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो जाए तो बायोलॉजिक्स के इंजेक्शन दिए जाएँ, तो थोड़े ही टाइम में, थोड़े ही हफ्तों के अंदर आपका सोरायसिस बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। और इसको कंट्रोल रखने में ही अच्छाई है, क्योंकि जितनी बार ये बढ़ेगा और प्रॉब्लम करेगा, अगर थोड़ी सी सोरायसिस है, आप उसको क्रीम से ठीक नहीं अगर आपने करा, तो वो बड़ी हो जाएगी, फिर खाने की गोलियां भी देनी पड़ती हैं और उनका अपना साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है। तो यदि आपको सोरायसिस है तो सर्दियों के अंदर थोड़ा ध्यान रखा करें, मॉइस्चराइज़र लगाएं, ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करें। दूसरी दवाइयाँ अगर चलती हैं जो कि सोरायसिस कई बार करती हैं, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा आपको, तो उनको भी कई बार चेंज करना पड़ता है। और अगर बच्चे हैं जिनके अंदर गट्टेड सोरायसिस होता है, जो कि अगर इन्फेक्शन हो, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो भी बढ़ती है स्किन के ऊपर, ऐसे कंडीशंस के अंदर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि किस तरीके से आप उसको कंट्रोल रख सकते हैं और आप अपनी स्किन को नॉर्मल रख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है डर्मावर्ल्ड स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स, उसको ज़रूर लाइक करें, और हम टाइम टाइम पर आपको स्किन, हेयर और एस्थेटिक्स के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद।